इनको हमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी सभी पार्टियों को। हम वोट बैंक बंद कर नहीं रहना चाहते, हमें चाहिए हिस्सेदारी। हम चाहे विधानसभा में हो या संसद में हो, कहीं पे भी हो। वोट तो के ओएसी को ही दे देंगे, अब के ओएसी की साथ है, क्योंकि अखिलेश क्या कर रहा, कुछ भी नहीं। ना हमारे आदमियों को, मुसलमानों को किसी को मंच पे चढ़ा रहा, ना आगे कर रहा, ना कोई पद दे रहा, धक्के दे रहा, सब कुछ कर रहा हो। अब उसे दिखा देंगे हम कितनी बड़ी ताकत है। अब तक तो मुसलमान जो है सपा के साथ में था ना, लेकिन सपा ने दिया क्या है मुसलमान को, सिर्फ रिक्शे तक सीमित रख दिया है ना। अखिलेश ने क्या बांटा मुसलमान को, सिर्फ रिक्शे के, बस रिक्शा चलाओ आप, इससे आगे मत बढ़ो। जो हक की बात तो कर रहे हैं वो तो असदुद्दीन वैसे साहब ही कर रहे हैं, खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर समुदाय की बात कर रहे हैं। ये जो इनके ऊपर धब्बा लगाया जा रहा है कि ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए आ गए, बीजेपी को निकालने के लिए आ गए, बीजेपी को हराने का ठेका हमारे पर नहीं है, हमें तो अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को साथ लेकर के चलना है। सहारनपुर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इस वक्त सभा चल रही है, जिसमें मंच पर अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए हैं। तमाम युवा उनके चाहने वाले यहां मौजूद हैं, क्योंकि सवाल बार बार ये खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तमाम सेकुलर पार्टियां जो हैं वो मंचों पर जगह नहीं दे रही, जिसकी मंचों से आवाज लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं 2022 के चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में? इन्होंने जो मुद्दा उठाया है मुस्लिम समाज को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, वो सही उठाया है। इसमें हम भी देखो, हम ना कहीं जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन यह है कि इनको हमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी सभी पार्टियों को। हम वोट बैंक बंद कर नहीं रहना चाहते, हमें चाहिए हिस्सेदारी। हम चाहे विधानसभा में हो या संसद में हो, कहीं पे भी हो, हमें हिस्सेदारी देनी चाहिए। मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जब से की जा रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक ही सवाल बार बार करती हैं कि युवाओं को खास तौर पर भड़का रहे हों। नहीं, देखिए, युवा ही तो वोटर होता है। अब या तो युवा, देखो, भड़काने वाली बात तो इनकी बिल्कुल नहीं है। सभी पार्टी आज का टाइम देखो क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी भड़का रही है। धर्म संसद चल रही है, उसके बारे में किसी ने बोला? किसी पार्टी ने नहीं बोला। अगर मुसलमान को खुलेआम देखो, एक उसको तबके को है ना टारगेट किया जा रहा है, और कोई पार्टी नहीं बोल रही है सिवाय असद ओवैसी के। हमारे 35 सांसद जीत कर गए मुस्लिम, उनमें से बोलने वाला कौन है? तीन तलाक का मुद्दा हो या NRC CCA का हो, तो उस पर सिर्फ असद ओवैसी बोल रहे हैं। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है मंचों से भी आवाज उठा रहे हैं और संसद से भी, क्योंकि धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला गया, कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए, AIMIM को छोड़ दिया जाए, उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी खामोश है। बिल्कुल खामोश है सर, कोई बोल नहीं पा रहा है। मुसलमानों का मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा है सर। मुद्दा उठाते हैं सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, चाहे संसद में हो, फील्ड में हो, अब रैली में मुद्दा है, मुसलमानों का मुद्दा वही उठाएंगे, बाकी कोई नहीं उठा रहा है मुद्दा। क्योंकि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात जो है मंचों से की गई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए, तो सपा के बड़े कद्दावर नेता, खासतौर पर बात की जाए महाराष्ट्र से आने वाले MLA, वो कहते हैं कि मुस्लिम हिस्सेदारी जिसे चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। सर, इसका तो मामला पाकिस्तान का मामला नहीं है। अगर कोई बात है वो यहीं की बात है। अगर कोई अपना हक ले रहा है तो उसमें कोई पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, अपने हक मांग रहे हैं। और जब हम किसी को वोट दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि हमारा मुद्दा उठाए, लेकिन हमारा मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या करा जाए। क्योंकि चुनावी मैदान 2022 का आगाज हो चुका है, समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि इसके बाद अब की बार 400 के पार जाएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है 400 के पार जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को जिताने के लिए पहुंच गए। नहीं, अभी तो वोट तो के ओवैसी को ही दे देंगे, अब के ओवैसी की साथ है, क्योंकि अखिलेश क्या कर रहा, कुछ भी नहीं। ना हमारे आदमियों को, मुसलमानों को किसी को मंच पे चढ़ा रहा, ना आगे कर रहा, ना कोई पद दे रहा, धक्के दे रहा, सब कुछ कर रहा हो। अब उसे दिखा देंगे हम कितनी बड़ी ताकत है कि मुसलमानों को कम वो कर रहा हो। क्योंकि साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ओवैसी साहब आए हैं तो खास तौर पर युवाओं को भड़का रहे हैं, क्या कभी ऐसा उनके मंचों से बयानबाजी सुनी? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, कुछ नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं उसे किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ नहीं है ऐसा, तो ये तो सब करें पार्टियां, ऐसे कोई बात नहीं है। मगर अब के वोट ओवैसी को ही देंगे, ओवैसी की साथ है।
तन मन धन मांग रहे हैं सब। देखो मुस्लिम वोट बैंक बनकर नहीं रहना चाहता। और आपने जो बात कही कि भाई पाकिस्तान चले जाए, हम पाकिस्तान हम यहाँ बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। जितनी हमारे बड़ों ने बाबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी है, हमने बराबर की कुर्बानियाँ दी है हमारे बाबा अजदाद ने। क्योंकि ये लगातार देखने को मिला है जब से जनसैलाब जो है ओवैसी साहब की रैलियों में उमड़ने लगा है, तो धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री तक खामोश हैं जब देश के मुसलमानों का मुद्दा उठ रहा है। मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से बस एक ही बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि मुसलमानों का फिलहाल कहीं भी कोई वजूद नहीं रहा। और कुछ हमारे मुसलमान भाई ये बात कहते हैं कि हमारा वोट खराब जाएगा ओवैसी को देख, तो इनका अगर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों से, कौन सा इनके उसे अखिलेश को देके या मायावती को देके या योगी को देके इनका वोट कौन सा कीमती हो रहा है? तो बेहतर ये, वैसे भी इनका वोट खराब जा रहा तो कम से कम वैसी की जो प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव लड़ेगा अगर उसी को वोट दिया जावे, अपने औकात भी इनके सामने आवे कि निकल के मुसलमान एकजुट हो गए, उससे अपनी ताकत का भी मुसलमानों को अंदाज़ा होगा। तो मेरी बस यही इनसे एक दरख्वास्त है कि एक प्लेटफार्म पर सभी मुसलमान भाई एक जनसभा पे आ जा, मैं एक प्लेटफॉर्म पे आ जा। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है सपा के जरिए कि मुसलमानों की बात जो है सिर्फ बैरिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। रखी रहे वही, अब तुम ये देख लो कि किसी आज तक किसी सांसद ने या किसी एमपी ने संसद उसमें संसद में कोई बिल को इस तरह नहीं फाड़ा जिस तरह ओवैसी साहब ने संसद के अंदर बिल को फाड़ दिया था। और आजम खान साहब हमारे लीडर थे, इनके मानने वे नेता थे इसमें समाजवादी में, आज तक किसी ने उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। और ये ले लो कि हमारे जाने माने हिंदुस्तान के एक शख्सियत को उठा रखे अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, कोई से किसी भी नेता ने अब तक उनके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया किसी भी पार्टी के, चाहे वो मायावती हो या अखिलेश हो या योगी सरकार हो। तो किस वजह से एक मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है? ये तो वैसे भी क्या नाम उसका हिंदू मुस्लिम का चुनाव कर ही रहा है, तो ये अपने एक प्लेटफार्म पे आके मुसलमान अपने अपने आप अपनी ताकत ही दिखा दे तो बेहतर रहेगा। चलिए मैं आप सभी से एक सवाल लेना चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है मुसलमानों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, बसपा को मुस्लिम वोट चाहिए, जब हिस्सेदारी की बात आती है तब कोई राजनीतिक पार्टी बोलती हुई नजर नहीं आ रही। असल में सहारनपुर के मुसलमान किसके साथ है? ओवैसी के साथ है। हम इसलिए साथ हैं कि जब अखिलेश की सरकार आई थी इसने हमें कुछ नहीं दिया और मोदी ने सीमा बंदी करी जब नहीं बोला अखिलेश, नोटबंदी करी जब नहीं बोला, जीएसटी बंदी करी जब नहीं बोला, जमीन बंदी करी जब नहीं बोला, लॉकडाउन लगाया जब नहीं बोला, कर्फ्यू लगाया जब नहीं बोला, और बैंक बंदी करी जब नहीं बोला, ATM बंदी करी जब नहीं बोला, CA बंदी करी जब नहीं बोला, NRC लगाई जब नहीं बोला, MPR लगाया जब नहीं बोला, NRC नागरिकता का मामला उठा जब नहीं बोला, तो जब हमारे खैर खुआ हमारे जिम्मेदार चार बार समाजवादी की सरकार रही, उन्होंने हमारे कारण बोलना बंद कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा वकील ओवैसी है, हमारा वकील पहले वो था, चाहे बहुजन हो, समाजवादी हो, BJP हो, जो मुसलमानों के कारण बोल लेता, अड़ता, लड़ता। आज भाजपा सरकार में मुसलमान को UP में धसाया जा रहा, फंसाया जा रहा, उलझाया जा रहा, जेल में घेरा जा रहा और कौम परस्ती फैलाई जा रही, तो आज हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। इसलिए हमारा वकील सब में पहला वकील आज ओवैसी है। इसके बाद में हम किसी को वोट देने के नहीं, सरकार बनो ना बनो, जहां नाश वहां सत्यानाश। क्योंकि मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि सहारनपुर के दर्द को आपने बयां किया, मंचों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बोलते हुए आए हैं कि जितनी भी मजमा है वो सुनने के लिए तो उन्हें पहुंच जाता है, जब वोट डालने की बारी आती है तो यही मुसलमान जो है कभी सपा में जाते हैं कभी बसपा में जाते हैं। पहले मोबाइल नहीं थे, अब मोबाइल चल गए, अब एक मिनट में हुकूमत बदल देंगे हम। हम हिंदुस्तान के अंदर UP में 18% है, पूरे हिंदुस्तान में 22% है। 22% में हमें ना नौकरियां मिली, ना तनख्वाह मिली, वजीफे मिले, ना रिटायरमेंट मिले, ना बोनस, ना फंड,
कुछ भी नहीं हमें मिल रहा, हमें सिर्फ खाली और राशन दे रहे, राशन भी इसलिए दे रही भाजपा सरकार, ये राम राज्य लावेंगे, राम राज्य ला के फिर ये मुसलमानों को रोहिंग्या बनाना चाह रहे, जैसे बर्मा के अंदर 5 लाख मुसलमान मिलिट्री ने मारा, 3 लाख मुसलमान पानी के रास्ते से मर गा, 10 लाख मुसलमान बांग्लादेश में बढ़ गा और 20 लाख मुसलमान हमारे भारत में घुस गा, तो ये वही स्थिति फैलाना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर होगा तो हम मोबाइल ऐसा चल रहा एक ही दिन में पूरे देश में झगड़ा होगा और एक ही दिन में हम सरकार का तख्ता पलट देंगे भाई। अभी तो आखिरी नेता देवबंद, अब तख्ता पलटने की बात कही जा रही है, तो साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इस बार यूपी का मुसलमान जाने वाला है? मुसलमान तो जाओगा, जरूर जाओगा, क्यों नहीं जाओगा, मुसलमान कहीं किसी का वो थोड़ा ही है, जब मुसलमानों के साथ ही लग रहे हैं, हमारी हक के बात कह रहे हैं, संसद में उठा रहे हैं, सारे मुद्दे उठा रहे हैं हमारे, और कौन है हमारे, हमारे लिए तो यही सही है, और कोई आ जाए वो भी उठावे, हम उसके भी साथ लगेंगे। यूपी का मुसलमान इस बार किसके साथ जाने वाला है? देखिए हमारा तो कहना है कि कांग्रेस हो या बसपा हो या सपा हो, अगर और ओवैसी जी को है ना हमें है ना फैक्ट में लेना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए बराबर की हिस्सेदारी, जब आप साथ देखो, जब आप 7% वालों को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम को क्यों नहीं, अब बराबर की जब कुर्सी बिछेगी क्या इसलिए कि बराबर में कुर्सी बिछेगी? बराबर की कुर्सी की बात कही जा रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है यूपी में लगातार दौरे कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों में खलबली है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान तो सपा के साथ जाएगा। नहीं नहीं, अब तक तो मुसलमान जो है सपा के साथ में था ना, लेकिन सपा ने दिया गया है मुसलमान को सिर्फ रिक्शे तक सीमित रख दिया है ना, अखिलेश ने क्या बांटा मुसलमान को, सिर्फ रिक्शे के, बस रिक्शा चलाओ आप, इससे आगे मत बढ़ो, जो हक की बात तो कर रहे हैं वो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कर रहे हैं, खाली मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, ये हर समुदाय की बात कर रहे हैं, जो भी समुदाय परेशान है वो कोई भी हो जाए वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ में आएगा, जो भी वंचित समाज का है, पिछड़ा समाज है उनका सम्मेलन है यहाँ पर, किसी पार्टी को दिक्कत है तो गठबंधन कर ले, अपनी साथ लगा के लड़वा चुनाव, क्योंकि लगातार जो है अखिलेश यादव तमाम राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ऐतराज क्यों? उसके ऐतराज होने का सबसे अहम मुद्दा ये है कि मुस्लिम जो वोट है यूपी के अंदर, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 20% है, 20% 50 पॉइंट के हिसाब से है, तो उसको ख़तरा ये है कि अगर हम इनको हिस्सेदारी देते हैं तो आने वाले वक्त में ये हमारे सर पे होंगे, फिर हम इनके सामने दरी बिछाने वाले बनेंगे। अभी वो ये चाहते हैं कि मुसलमान को हमने जो लॉलीपॉप दे रखा है बस मुसलमान उसी को चूसता रहे और उसी से अपना काम चलाता रहे, वो आगे ना वो शिक्षा की बात करें, ना रोज़गार की बात करें, और ना ही अपने बारे में सोचे कि हमें आगे चल के करना क्या है, सिर्फ उन्होंने एक लॉलीपॉप दे रखा है, जितनी भी नीचे की जातियाँ हैं, यानी जित दलित है उसमें और भी जितने भी ओबीसी वगैरह जो आते हैं, वो तमाम के तमाम को इन्होंने यही जहाँ से दे रखा है कि आपको ये रिक्शा दे दिया जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये औरतों को पेंशन बना दी जाती है, बस इससे अलावा कुछ नहीं देते, ना शिक्षा के बारे में बात की जाती है, अगर कोई शिक्षा के बारे में बात करता है तो आप जानते हैं उसका हश्र क्या होता है, जैसे अभी आजम खां के साथ हुआ है और लोगों के साथ भी हो जाता है, करते हैं जाहिर सी बात है, वरना तो ये करना चाहिए। अब उनको खुद को हाथ मिलाते हुए जो खतरा है, सिर्फ सबसे अहम मुद्दा यही है कि आने वाले वक्त में वो खुद एक पार्टी मजबूत कर लेंगे। क्योंकि मैं मौलाना साहब आपका नाम भी जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने ये बोला हो कि शिक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं सलाम भी करना चाहूंगा कि ये जालीदार टोपी के नाम से कभी बदनाम किए जाते हैं, जो कि डिप्टी सीएम लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर रही है। देखिए अभी सरकार ने अनाज फ्री किया है, श्रम कार्ड बनाया है, 500 रुपए का वादा किया है, हम चाहते हैं कि ना किया जाए। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी असेंबली में भी, लोकसभा में भी कई मरतबा ये चीज़ कह चुके हैं कि हम जो हज पे हमें सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी हमें नहीं चाहिए, हमारे समाज के अनपढ़ जो रह गए हैं उनकी शिक्षा के ऊपर खर्च की जाए। हम भी ये चाहते हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें ये शिक्षा के लिए हमें एक कॉलेज दिया जाए, यूनिवर्सिटी दी जाए, और हमारे जो फिल वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी चल रहे हैं उनके ऊपर जो झगड़ा कर रहे हैं कि इनको इनका आरक्षण ख़त्म किया जाए, इनका वो भी बहाल किया जाए, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि सियासी हिस्सा भी मुस्लिम का एक हिस्सा है। आज कहा जाता है कि ये टोपी वाले दाढ़ी वाले
ये सियासत क्या जानते हैं। देखिए सियासत अच्छी तरीके से यही लोग जानते हैं जो चटाई पे बैठकर सियासत करते हैं। अच्छी सियासत ये करते हैं, इनमें गंदी सियासत नहीं कि इसकी गली गर्दन काट के या वो गर्दन काट के, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल साफ सुथरी सियासत करते हैं। आप देखिए सिर्फ आजम खां का एक कॉलेज बना देना, उसमें कोई ये तो नहीं कि यानी मजहब की कोई बात नहीं, धर्म की कोई बात नहीं, तमाम समाज के लिए था। और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम के एक अगर उसके वालिदैन नहीं है मैं उनको फिर वो दूंगा कि वो मुसलमान ही हो, नहीं, उन्होंने तमाम समाज के लिए कहा था कि जिसके वालिदैन नहीं है यानी माँ बाप नहीं है उनके लिए यहाँ तालीम क्या है, फ्री है, शिक्षा फ्री है, जिसके एक नहीं है उसकी आधी फीस माफ़ है और जिसके दोनों हैं उसकी भी कुछ फीस माफ़ है अगर वो पिछड़े समाज से आते हैं या हालतें क्या है, गरीब है, उनकी माली हालत दुरुस्त नहीं है, ये चीज़ें लेकर उन्होंने वो बनाई। मगर उन्हीं की बल्डोजर क्यों चल रहा है, उन्हीं को जेल के अंदर क्यों डाला जा रहा है, हालांकि उससे ऊपर जाइए कितने हैं जो दोषी हैं अभी, उन्हों के इसका मामला चल रहा है, उनके घर वालों को ट्रक से उड़ा दिया जाता है और उनका फिर वो विधायक जुगत हुआ है। आप किसान का मुद्दा ले लीजिए, खैरी में क्या हुआ, खीरी के अंदर किसानों को कार से कुचल दिया गया और उसको अब तक नहीं हटाया जा रहा सरकार में से, वो एक ओहदे पे बना बैठा हुआ है। क्यों? ये चाहती है सरकार के हमारी हिटलरगिरी चले और हम जो चाहे जो हम कहें सिर्फ सामने समाज या जो भी लोग हैं वो तमाम यही बोले, इसके अलावा कुछ ना बोले। क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं कि मुसलमान जो है उनके पास आएगा, असल में मुसलमानों की ज़रूरतें क्या हैं? मुसलमान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान उनके पास जाएगा, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कायद और लीडर हैं, ये चाहते हैं कि कोई भी समाज में अनपढ़ ना रहे। इनके खुद के कॉलेज हैं, खुद के हॉस्पिटल हैं और बहुत सारी ऑल इंडिया से कम फीस में इनके यहाँ तालीम दी जा रही है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने लॉकडाउन में भी गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद की है। और ये जो इनके ऊपर धब्बा लगाया जा रहा है कि ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए आ गए, बीजेपी को निकालने के लिए आ गए, बीजेपी को हराने का ठेका हमारे पर नहीं है, हमें तो अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को साथ लेकर के चलना है। और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब की बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसका किसी पार्टी का वोट काटने का ठेका सिर्फ मुसलमानों की ही जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने ही ठेका सारी राजनीतिक पार्टियों का ले रखा है। अगर मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कही जा रही है तो सत्ता में तो हिस्सेदारी की मांग की ही जा रही है। शिक्षा के बारे में भी ये जालीदार टोपी जिन्हें बदनाम किया जाता है वो अपनी शिक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक शिक्षा का इदारा खड़ा किया गया रामपुर में तो आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया।